टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर पिछले कई महीनों से दिगोड़ा के बिजासन तिगोला के पास और धामना तिगेला पर पूरी हाईवे सड़क पर 2 फुट गहराई में बड़े बड़े गड्ढों से सही प्रकार के वाहनों को निकलने में और पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झांसी हाईवे रोड पर गड्ढे इतने गहरे और बड़े बड़े हो गए हैं कि इनमें से वाहनों को निकलने में चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार हो रही बारिश से इन दिनों बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा हो गया है, जिससे आज 3 वाहन गड्ढे की गहराई अधिक होने के कारण उसी गड्ढे में फंस जाने के कारण खराब हो गए। लोगों ने धक्का देकर वाहनों को गड्ढे में से बाहर निकाला। ग्रामवासियों ने दिगोड़ा में झांसी हाईवे सड़क पर 2 बड़े बड़े गड्ढों को भरकर दुरुस्त कराने और ग्राम दिगोड़ा में छोड़ी गई सड़क का निर्माण कराने की मांग शासन व प्रशासन से की गई है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश राठौर है। राठौर जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। फिर इधर दिगोड़ा में कैसे खड़े हैं, क्या दिक्कत आई आपको? दिगोड़ा में ऐसे खड़े हैं कि मैं रायपुर से ये मेरा माल है जो लोड करके लाया था, यहाँ दिगोड़ा में जो गड्ढे जो हो रहे हैं, जो रोड खराब है, इससे गाड़ी पलटने के भी आसार हैं, जिससे मेरी गाड़ी गड्ढे में गिरने से मेरी गाड़ी खराब हो गई है। इस वजह से यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और खाने पीने का? और यहाँ ऐसे ही मतलब दिन भर से भूखा बैठा हूँ और यहाँ कोई मिस्त्री भी नहीं है। मिस्त्री मेरा ग्वालियर से आ रहा है, जैसे ही आएगा वैसे ही जब मेरी गाड़ी सही होगी जब मैं यहाँ से जा पाऊँगा। गाड़ी में क्या हो गया आपकी? क्या गाड़ी में मेरी क्रॉन टूट गई है गड्ढे में गिरने से, बहुत ज़्यादा रोड खराब है। मेरा नाम नरेश यादव, कहाँ के? दिगोड़ा के रहने वाली। बताएं ये क्या समस्या है आप? समस्या है पूरा दिगोड़ा में रोड पूरे जगह जगह के खांत के गड्ढा हो गए हैं। ये PWD वालों को कुछ दिख नहीं रहा है कि गड्ढे हैं कि क्या है, वाहन फंस रहे, हजारों आदमी गिर रहे हैं, एम्बुलेंस आती है तो एक एक घंटा लग जाता है। ऐसे इतने में तो आदमी पहुँच रहा होगा जो इतने में ख़त्म ही हो जाएगा आदमी। डेली 20 एम्बुलेंसें निकल रही हैं और इनको दिख नहीं रहा है क्या लेट हो रही गाड़ी। किसी कोई मौत होती है तो PWD वाले इसके जिम्मेवार होंगे। ठीक है, और बताएं और भी क्या समस्याएं हैं, एक्सीडेंट वगैरह कैसे? बहुत एक्सीडेंट, 10 आदमी तो गिर गए यहाँ, एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक गाड़ी तो अभी खड़ी है गड्ढे में, एक्सल टूट गया उसका, उसी गड्ढे में खड़ी है। शासन प्रशासन देखती चली जाती है, कुछ उसको देखता ही नहीं है। इस बारे में सरपंच से बात हुई आपकी? नहीं नहीं, हमारी कोई बात नहीं भाई। कितने समय से सरपंच भी तो करते हैं, उनको दिखता नहीं है क्या सरपंच भी? कितने समय से गड्ढे हैं इधर? कम से कम 6 महीना हुआ है इस गड्ढे को। इधर कोई प्रशासनिक अधिकारी? डेली आते हैं प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन उनको दिखता ही नहीं है गड्ढे, उसी में पटकते चले जाते हैं वो लोग तो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।